अवैध शराब माफिया मामले में पुलिस के हाथ एक और बड़ी सफलता लगी है। आज अंबाला पुलिस ने एक और अवैध शराब के गोदाम को पकड़ने में सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शराब से भरा अवैध गोदाम पकड़ा है, जहां मौके से भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद हुई। शराब माफिया पर हरियाणा में शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। कुछ दिन पहले ही अवैध शराब की भारी खेप से भरे दो गोदाम पकड़े जाने की जाँच अभी पुलिस कर ही रही थी कि आज उसी गाँव से एक और शराब के अवैध गोदाम का भंडाफोड़ पुलिस ने कर दिया। इस गोदाम से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की पेटियां बरामद की हैं, जिनमें देसी व अंग्रेजी शराब की पेटियां शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने पकड़ी गई शराब की पेटियों की गिनती शुरू कर दी है और एक्साइज विभाग भी मौके पर है। अवैध शराब के गोदाम को लेकर मौके पर मौजूद डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह गोदाम पकड़ा गया है और शुरुआती जाँच में यह स्पष्ट हो गया कि यह गोदाम अवैध है। अवैध शराब के गोदाम में फिलहाल एक्साइज विभाग भी छानबीन में जुट गया है और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये शराब यहां कैसे पहुंची। एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर की माने तो विभाग ने यहां किसी भी गोदाम की परमिशन नहीं दी है। ऐसे में भी विभाग के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। आज सुबह हमारे एसएचओ साहब मोहन लाल जी एसएचओ प्रबंधक थाना को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जो आई पार्क जो है इसमें अवैध शराब का गोदाम है, अवैध शराब यहाँ पे है। तो इस आधार पर हम यहाँ आए, इन्होंने एक्साइज इंस्पेक्टर को बुलाया। एक्साइज इंस्पेक्टर ने भी गोदाम को चेक करके बताया भी इस इलाके में हमने कोई L1 का गोदाम नहीं दिया और ये सारा इलीगल है, तो हम इसकी काउंटिंग करा रहे हैं और मुकदमा दर्ज कर रहे हैं जल्दी। किसका सर गोदाम है अभी तक पता लगा है? ओनर को बुलाया इसके, उसके रिकॉर्ड चेक करेंगे और जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई बनेगी हम सख्त से नहीं, हमारे रिकॉर्ड में कोई गोदाम नहीं है। इस रिकॉर्ड इलीगल शराब है, इसके बारे में देखते हैं, चेक करके अभी रिपोर्ट बनाएंगे। ये लीगल नहीं है, ये शराब यहाँ लीगल नहीं होती। ये गोदाम किसी ने आगे जाने के लिए, आगे उसके लिए